गर्ल्स वी आर स्टडी BSc सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट डे 8। आठवें दिन के अध्ययन में हम पढ़ेंगे पेलमोन यानी प्रॉन के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रॉन यानी झींगा, अपने शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, झींगा। पेलमोन का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रुधिर परिसंचरण तंत्र किस टाइप का होता है, ओपन टाइप का, खुले प्रकार का। और खुले प्रकार का होने का लक्षण क्या है, रुधिर कोशिकाओं का नहीं होना। ठीक है, तो पेलमोन का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खुले प्रकार का होता है और इसमें ब्लड कैपिलरीज यानी रुधिर कोशिकाएं नहीं होती है, इनका अभाव होता है। ठीक है ना, परिवहन माध्यम डायरेक्ट बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनसे सीधे होता है, सीधे संपर्क में, इसलिए इस टाइप को ओपन टाइप बोलते हैं। छोटे बड़े सभी अंग प्रत्यंगों के मध्य स्थलों में रुधिर भरा रहता है। इन रुधिर माध्यम से भरे बड़े स्थानों को रुधिर पात्र कहा जाता है जबकि छोटों को लेक्यूनी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए प्राण का ये तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी तंत्र लेक्यूनर प्रकार का माना जाता है। ठीक है ना, ये छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत बड़े आंसर है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनता है वहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र को अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड को, फिर पढ़ेंगे पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, ब्लड साइनस, ब्लड चैनल्स। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड को, सीरीज वाइज चलते हैं, अच्छी तरह से सुनना है ना। पेलमोन का ब्लड होता है ये जल की तरह पतला और रंगविहीन होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। इसमें अमीबीय श्वेत कोशिकाएं पाई जाती है। अमीबीय का मतलब अमीबा की तरह आकृति की वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है और इनका कार्य जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य में भी वही होता है जो यहाँ होता है, फेगोसाइट का कार्य होता है। अमीबीय श्वेत कोशिकाएं क्या काम करती है, फेगोसाइट्स का काम करती है, बक्षी कोशिकाओं का कार्य करती है और सूक्ष्म जीवों से प्राणी को संरक्षा प्रदान करती है, सूक्ष्म जीवों से प्राणी को बचाती है। हमारे अंदर भी यही होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये अपने शरीर में किसका काम कर रही है, फेगोसाइट्स का, ताकि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर अटैक करता है तो ये बचाने का काम करती है और इसी को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किसका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। लाल रंग की कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती है ना, किंतु जो काम हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में करता है वही काम प्रॉन के अंदर हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक करता है जो यहाँ पर पाया जाता है। हीमोसाइनिन प्रॉन में श्वसन वर्णक का क्या नाम है, हीमोसाइनिन। ये हीमोग्लोबिन की तरह ही प्रॉन के अंदर कार्य करता है, ऑक्सीजन को बांधने का कार्य करता है, इसलिए इसको श्वसन वर्णक नाम दिया गया है। हीमोग्लोबिन में धात्विक आधार आयरन होता है जबकि हीमोसाइनिन में धात्विक आधार कॉपर होता है, तांबा। ठीक है ना, इसके कारण ऑक्सीजनित रुधिर यहाँ हल्का नीला दिखाई देता है। ऑक्सीजनित रुधिर कैसा दिखाई देता है, हल्का नीला, तांबे के कारण। प्रॉन के रुधिर की एक मुख्य विशेषता इसका त्वरित स्कंदित होना भी है, मतलब प्रॉन का जो ब्लड है वह तुरंत जम जाता है, तुरंत स्कंदित हो जाता है, कहीं जैसे लग गई, कट गई है ना,
और मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूं, जैसे प्रॉन का आया था अपन ने क्या पढ़ा था, ये कि अपने मर्जी से ये अंगों को छोड़ देता है। अब जैसे ये जहाँ से अंग को छोड़ता है वहाँ पे ब्लड बहता नहीं, इसका तुरंत ब्लड इसका एक बूंद चमकेगा और वहीं पे जम जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। इतना तेज गति से इसका ब्लड स्कंदित होता है, जमता है ना, ये इसकी मुख्य विशेषता है। और ये गुण इसमें किस कारण से पाया जाता है, जूनेराइथिन नामक यौगिक के कारण। जूनेराइथिन नामक यौगिक प्रॉन के इस ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण ये तीव्र गति से स्कंदित हो जाता है, ठीक है ना। जूनेराइथिन छोटे छोटे शब्द है लेकिन है बड़े इम्पोर्टेंट स्पेशल जूलॉजी के हिसाब से। पेरिकार्डियम, सेकंड पॉइंट था पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब चारों तरफ का, ठीक है ना। तो ये आवरण है, इसे पेरिकार्डियल क्वार्टर भी कहते हैं। ये पृष्ठीय वक्ष भित्ति के नीचे तथा हेपेटो पेंक्रियाज व जननांगों के ऊपर स्थित चौड़ा स्थल है। इसके बारे में कोई ज़्यादा हुआ नहीं है, बाकी इसके अंदर हृदय रहता है, हृदय को ये ढके रहता है, हृदय को ये सादे रहता है। इसमें रुधिर चैनल्स रुधिर को सादे रहते हैं और रुधिर चैनल्स रुधिर लाती रहती है। इस संपूर्ण क्वार्टर में सदा रुधिर भरा रहता है। अब तीसरा पॉइंट है अपना हार्ट, हृदय। तो त्रिकोणाकार पेशीय हृदय, त्रिकोणाकार होता है, पेशीय होता है, ठीक है ना। टर्गल कंटकों के नीचे वक्ष गुहा के मध्य पृष्ठ सतह पर पेशीय सूत्र यानी मस्कुलर स्टैंड से पेरिकार्डियम में सदा रहता है। तुम्हें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें जैसा दिया गया है वैसा तुम पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें भी लिखना ज़रूरी नहीं होता है। बड़े ऐसे सारी चीज़ें लिखेंगे तो पूरी कॉपी एक आंसर में बढ़ जाएगी, है ना। मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा, अब भी बता रहा हूँ, नोट्स भी वह चीज़ है जहाँ पे लिखा दे आपको और वही आपको रटना पड़ता है। पर ये जो है ना, यहाँ पे तुम पांच लाइनें पढ़ोगे तो कुछ लाइनें ऐसी होगी जो तुम्हें याद रह जाती है इजी वे में, तुम्हारे हिसाब से। सब प्रत्येक स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग हिसाब से काम करता है ना। इसलिए मेरा मतलब तुम्हें मशीन बनाने का नहीं है, मेरा मतलब तुम्हें मैटर उपलब्ध करवाना है। तुम अपने हिसाब से इसमें से जो भी लाइनें तुम्हें याद रह सकती है वो तुम याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो पेरिकार्डियम में मस्कुलर स्टैंड की सहायता से ये हृदय लटका रहता है, सदा रहता है, मतलब है ना। जैसे किसी रस्सी से बीच में चारों तरफ से किसी अंग को बांध दिया जाता है, पतली पतली डोरी से बीच में उसको लटका दिया जाता है, वैसे हृदय पेरिकार्डियम में मस्कुलर स्टैंड की सहायता से सदा रहता है। त्रिभुजाकार हृदय के त्रिभुज का शीर्ष आगे की ओर होता है, आधार पीछे की ओर होता है, ठीक है। इसके शीर्ष से पाइलोरिक आमाशय तक एक मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य कार्डियो पाइलोरिक सूत्र यानी धागा, ठीक है, जिसका वह नाम है। नाम उन्हीं अंगों की सहायता से पढ़ा है, क्योंकि नाम कैसे पढ़ा है देखो, अब मध्यवर्ती यानी बीच में होगा, अनुदैर्ध्य यानी लंबवत होगा, कार्डियो यानी हृदय से, पाइलोरिक यानी आमाशय, पाइलोरिक आमाशय है ना। तो इन कार्डियो यानी हृदय और पाइलोरिक आमाशय के बीच में लंबवत मध्य जो स्टैंड इनको साधा हुआ होगा, एक दूसरे को जोड़े हुए होगा, उसका नाम है सूत्र धागा, ठीक है ना। तथा आधार, ये आधार में दोनों पार्श्व से दोनों साइडों से दो पार्श्व सूत्र देह भित्ति तक जाते हैं। हृदय की अत्यधिक लचीली मोटी व पेशीय भित्ति में कपाट युक्त पांच जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे रुधिर इसमें प्रवेश करता है। पांच जोड़ी कपाटीय छिद्रों में, कितने जोड़ी कपाटीय छिद्र पाए जाते हैं, पांच जोड़ी कपाटीय छिद्रों में प्रथम जोड़ा पृष्ठीय, दूसरा अधरीय, तीसरा पश्च, चौथा अग्रपार्श्वी, पांचवा जोड़ा पश्च पार्श्वी तल पर स्थित
होता है। कपाट ये छिद्र का मतलब कपाट यानी ढक्कन बोलते हैं कपाट को, ठीक है ना। तो छिद्र तो छिद्र होता है, उसके ऊपर कोई ढक्कन नुमा आकृति होती है उसको होती है, तो उसको कपाट ये छिद्र बोल देते हैं। भाई इस पर ढक्कन लगा हुआ है, कपाट लगा हुआ है, ठीक है। प्रथम जोड़ा कहाँ है? पृष्ठ में डोर्सल साइड पे। दूसरा छिद्र कहाँ है? अदर में वेंट्रल साइड पे। तीसरा कहाँ है? पश्च यानी पीछे की साइड पे। चौथा कहाँ है? अग्र यानी आगे की साइड पे, ठीक है। अग्र पार्श्व में यानी आगे आगे और यूं साइड पे, पार्श्व से लेटरल, ठीक है। और पांचवा जोड़ा है पश्च पार्श्व तल पर स्थित होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है अपना आर्टरीज धमनियां। दृढ़ पेशी युक्त मोटी भित्ति की धमनियां नलियों के समान हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर भेजती है। तुम्हें पता होना चाहिए धमनी का क्या काम है, हृदय से रुधिर को ले जाना, ठीक है ना। तो ये थोड़ी प्रेशर से जाती है, हृदय का काम ये दाब का, तो इसलिए धमनियां थोड़ी मोटी भित्ति की होती है और ये विभिन्न भागों तक जाएगी। प्रमुख धमनियों के नाम निम्नलिखित है, पढ़ना है तुम्हें, याद रह जाए तो ठीक। देंगे भाई तुम्हारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे अगर क्षमता नहीं है तो नाम याद रखो, उससे थोड़ी ज़्यादा क्षमता है तुम्हें ये भी पता रखना है कि ये धमनियाँ कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो मीडियन ऑप्थेल्मिक धमनी नाम से स्पष्ट है, हृदय के अग्र शीर्ष भाग से अकेली निकलने वाली रुधिर धमनी मीडियन ऑप्थेल्मिक धमनी कहलाती है। ये कैरापेस के नीचे नाम से स्पष्ट है। ऑप्थेल्मिक धमनी यानी वृक्क कोष के साथ साथ ग्रसिका के प्रारंभिक क्षेत्र तक ये जाती है और ग्रसिका पर आने वाली दोनों एंटरनी धमनियों से जुड़ी जाती है। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा नहीं पढ़ने की तो नाम याद रखो, क्षमता ज़्यादा है तो लिखो कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जाती है, बीच में कितनी ब्रांचें वगैरह, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें स्वतंत्रता इस चीज़ के लिए, है ना। मशीन नहीं बनना है कि दो लाइन नोट लिखा दी तुम्हें और उन दो लाइन को रटना है ना। नेक्स्ट है एंटीनरी। एंटीनरी हृदय के शीर्ष भाग से ही मीडियन ऑप्थेल्मिक के दोनों पार्ट से एक एक एंटीनरी धमनी निकलती है जो मैंडिबल को की पेशियों के बाहरी सीमा पर होती है, हुई तिरेक रूप से आगे बढ़ती है। वह तीन शाखाओं दोनों तरफ निकालती है जो क्रम से पेरिकार्डियल, गैस्ट्रिक व मैंडिबुलर कहलाती है। यही आगे बढ़ती हुई पृष्ठ एवं अदर शाखाओं में विभक्त हो जाती है। पृष्ठ शाखा ऑप्टिक धमनी निकालती हुई दूसरी ओर की समान पृष्ठ शाखा से मिलकर एक वृत्तीय पाश का निर्माण करती है जो सर्कुलस सेपेलिकिस कहलाता है। वृत्तीय पाश के रूप में जुड़ने से पहले यह दोनों ओर एक एक रोस्ट्रल धमनियाँ निकालती है। दोनों ओर की अदर शाखाएँ भी विभक्त होकर एंटीन्यूल्स एंटीना वृक्क अंगों की ओर जाती है। नेक्स्ट है हिपेटिक। नाम से स्पष्ट है ये एकृत को जाएगी। मध्य पश्चिम मिड पोस्टर ये छोटी किंतु दृढ़ मध्य धमनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी के दो रूप है, सुप्रा इंस्टाइनल धमनी, एक्सटर्नल धमनी। पांचवा पॉइंट अपना रुधिर पात्र या रुधिर ब्लड साइनस। विभिन्न धमनियां प्राण के शरीर में विभिन्न भागों को रुधिर समृद्ध करती है किंतु इनमें कोई रुधिर कोशिकाएं तथा शिराएं नहीं होती। रुधिर छोटे छोटे पात्र क्वार्टर या आशय में भरा रहता है। ये छोटे रुधिर क्वार्टर वक्स के अदर में दो बड़े अदर रुधिर पात्र में भरे रहते हैं और अनेक स्थानों पर मिलते हैं। रुधिर चैनल्स वास्तव में रुधिर पात्रों के समय के अनुसार बनी विभिन्न भित्तिविहीन नलियाँ होती है। अदर क्वार्टरों से रुधिर छह अभिवाही ब्रेंकियल चैनल्स के माध्यम से आता है। ये हो ही गया था ये तो, है ना। रुधिर चैनल्स वास्तव में रुधिर पात्रों के समय के अनुसार बनी भित्तिविहीन नलियाँ होती है। अदर क्वार्टरों से रुधिर छह अभिवाही ब्रेंकियल चैनल्स के द्वारा गिलों में पहुंचाया जाता है जहां से रुधिर पुनः शुद्ध होकर छह अपवाही ब्रेंकियल चैनल्स के माध्यम से पेरिकार्डियम में पहुंचता है।
प्रथम चैनल एक पोडोब्रैंक व दो आर्थोब्रैंक को रुधिर समृद्ध करती है, जबकि शेष पांच चैनल पांचों प्लूरोब्रैंक से जुड़े रहते हैं। रुधिर परिसंचरण कैसे होता है, लास्ट पॉइंट है इसका। अपनी संकुचनशील क्रिया से स्पंजी त्रिकोणीय हृदय रुधिर शरीर के सभी भागों को धमनियों के माध्यम से रुधिर भेजता है। ठीक है, हृदय से आउटर डायग्राम में बना रखा है, बता रखा है, हृदय से धमनियों में, धमनियों से अंग प्रत्यंगों को, धमनियों को शाखाओं तक प्रत्येक रुधिर जाता है। रुधिर वहाँ से रक्त क्वार्टर या पात्र रक्त लेक्यूनी जिसकी वजह से इसको ओपन टाइप बोलते हैं, यहाँ आता है, अदर रक्तपात में जाता है, एफ्रेंट बैंकल चैनल में आता है, ईफ्रेंट बैंकल चैनल में आता है, पेरिकार्डियल रक्तपात में आता है और वहाँ से शुद्ध होकर वापस हृदय तक आता है। ठीक है, जो रुधिर पात्रों क्वार्टर या आशयों से शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों को समृद्ध किया जाता है। अंत में रुधिर दो बड़े अदर पात्रों में आता है, वेंट्रल साइड में जो खड्डे बने रहते होंगे वो पात्र कहलाते हैं, जहाँ से एफ्रेंट व इफ्रेंट यानी अपवाही व अभिवाही ब्रेंकियल चैनल्स द्वारा गिलों में ऑक्सीजनित होकर पेरिकार्डियम में पहुँचाया जाता है। पेरिकार्डियल साइनस में ओस्टिया के द्वारा संकुचनशील हृदय में पहुंचकर परिसंचरण को प्रभावी बनाए रखता है। ये क्रिया आरेखी चित्रण द्वारा ये बता भी रखी है तुम्हें। ठीक, इस प्रकार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉन के अंदर कंप्लीट होता है। कोरोना से बचे, सावधानी रखें। थैंक यू वेरी मच।